कि यहाँ पर वलवला और जोश बिल्कुल देखा जा रहा है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर उमड़ आई है। हमारे साथ में बीजेपी की सरकार का लीडर मीना भट्ट है। मीना जी, आप उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैम, क्या वलवला और एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं? आप देख ही रहे हैं या आप लोग भी बड़ी बार देखेंगे और बार बार देखेंगे। वेलकम हो रहा है मोदी जी का, जो इतने साल बाद जम्मू कश्मीर के हालात कुछ सालों में बदलाव आया है। मुझे लगता है लोग वेलकम कर रहे हैं अपने लीडर का, देखना चाहते हैं अपने लीडर को, तो ये वलवला और जारी रहेगा। बताइए कि क्या क्या पैकेज और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? पैकेज बहुत छोटी सी बात है, लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं पैकेज जितना दीदार के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए आए हैं। मोदी जी यहाँ आए नहीं आए, जम्मू कश्मीर उनके दिल के करीब दिल्ली में भी है। सदारत से पहले भी जो उन्होंने वादे किए थे पूरी गारंटी के साथ उनको पूरा किया है, और आज भी देखिए उनके आने से मौसम भी बदला है और हालात तो पहले से ही कुछ सालों में 3-4 साल में बदलते हुए नजर आपको भी और हमें भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर हमारे सामने एक और बीजेपी लीडर जो है अवतार जी है वो हमारे साथ जुड़े हैं। अवतार जी, क्या एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी के दौरे से? बस जम्मू कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है, चारों ओर मोदी जी की सरकार है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अब की बार मोदी जी की सरकार होगी। सारा कश्मीर मोदी जी का हो चुका है। आई लव यू मोदी, आई लव यू मोदी। तो क्या इकोनॉमिक पैकेज के अलावा कोई और एक्सपेक्टेशंस आपके हैं? देखिए जी, जम्मू कश्मीर को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अडॉप्ट कर लिया है, जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट कर चुके हैं। यह उनका अपना एक चहेती स्टेट बन चुकी है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक विकासशील स्टेट की सूरत में, यूटी की सूरत में सामने आएगी, क्योंकि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि नौजवानों में भी काफी जोश है। क्या बताएंगे जोश माता की? हमारी आज ईद है। हमारे प्रधानमंत्री जो देश के जो बहुत बड़े प्रधान वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर है, वो आज हमारी कश्मीर घाटी में आ रहे हैं और हम रात से भी यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देखे लाखों में हम मोदी जी को हम मोदी जी को एक संदेशा देना चाहते हैं कश्मीरी युवाओं की तरफ। वी लव यू मोदी जी। कश्मीर में आपके चाहने वाले बेशुमार हैं और हम चाहते हैं कि अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार। आपने देखा कि जोश और वलवला यहाँ पर देखा जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैमरा जो घूमते हुए आप देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पर उमड़ आई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के सरकर्दा लीडर जो है वो भी आ पहुंचे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद रहती थी, इतने लोग नहीं आते थे, क्या कैसे इस चीज को देखते? आप देखते हैं ये नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है। 1947 से जो कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल्ड कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था, 2019 के बाद यहाँ के लोग खुल गए हैं। कश्मीर है, इसी प्रकार से हमको इसको देखना। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या आप को उम्मीद है कि मोदी जी यहाँ पर कश्मीर ला रहे हैं? रेलवे ट्रैक बहुत जल्द ही आपको रेलवे लाइन भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी के द्वारा हुए हैं और मोदी जी ज़रूर यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ बताएंगे और उनको उद्घाटन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जोश वलवला के अलावा यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आप पहुँचे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर उमड़ आई है। उसमें अगर फिगर आउट की बात करेंगे SRTC की, उन्होंने बताया कि 7:30 बजे तक यहाँ पर करीब करीब 50,000 से ज़ायद, यानी कि 45,000 से ज़ायद लोग यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कि
आप बताइए क्या जोश बलबला बिल्कुल कायम है? आप देख रहे हो कि पक्षी स्टेडियम में अभी कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है, कितना जोश है, पूरा खचा खच स्टेडियम भरा हुआ है। लोग अभी भी बाहर, बहुत सारे तादाद में लोग बाहर हैं। जो हमने बोला था 2 लाख से ऊपर कार्यकर्ता इस रैली में शिरकत करेंगे, वो आप देख रहे हो। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर चाहेंगे, साहिल भी है, और आप बताएं साहिल साहब कैसा जोश है अभी? जोश तो इतना ज्यादा है, आप कुछ समझ सकते हैं, जगह नहीं बची है, लोग खड़े हैं। इससे ज्यादा जोश की बात हम क्या करें, उत्साह की बात क्या करें। अब देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है, लोग कितने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जो जोश और आप बताइए जोश और जज्बा कैसा है आपका? आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो इतने लोग आ रहे हैं कि जगह कम पड़ रही है, लोगों में जोश है। बाहर सड़कें भी बड़ी पूरी भरी पड़ी है। मुझे लगता है, मैंने कल भी बोला था कि इतनी जगह नहीं है श्रीनगर में जितने लोग आ रहे हैं। आप देखो लोगों में कितना जोश है, वो मोदी जी का शुक्रिया करने के लिए यहाँ पे खचा खच लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। ठाकुर साहब 2 मिनट दीजिए हमें, आप बताइए कि अभी कैसा जोश और वलवला है, और क्या एक्सपेक्टेशंस है मोदी जी के दौरे का? जुनून है जो आप देख रहे हैं लोगों में, सैलाब है, इससे बहुत ज्यादा खड़े हैं। और यही वजह है कि इन लोगों की आहट पहचानते ही कल शाम को ही उमर साहब की नींद उड़ गई थी, और शाम होते होते लोगों का सैलाब और फुल श्रीनगर पैक होते हुए शाम को वो अपनी दावेदारी भी छोड़ देंगे श्रीनगर सीट से। और जो कश्मीरियों की एक्सपेक्टेशन है, ये वो क्राउड है जिसने 370 सेल्फ रूल एटोनमी 35A को नकार दिया है। ये डेवलपमेंट के साथ है, विकास के साथ है। और आज मोदी जी जिस तरह उन्होंने कल शाम को 5,000 करोड़ का और आज बहुत बड़े पैकेज का यहाँ ऐलान करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जोश वलवला बिल्कुल कायम और दायम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की तादाद आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से जोश और जज्बा खासकर यहाँ पर बीजेपी के लीडर्स में है वो आप देख सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि कई एक डिस्ट्रिक्टों से भी यहाँ पर लोग आ पहुंचे हैं। अगरची यहाँ पर काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है, और आप देखने वाली ये बात होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आते हैं तो कश्मीर क्या लेकर आते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनके लिए भी उनके पास स्कीम है, और ये आप देखने वाली बात होगी किसानों के लिए क्या होगा। खासकर किसानों की हम बात करेंगे, उसमें टूरिज्म सेक्टर को भी एक इकोनॉमिक पैकेज जो है वो दिया जाएगा, और बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी पैकेज होगा, और ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स भी वो इजरा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह यहाँ पर जोक तक जोक आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस के चलते हम चाहते हैं कि बाहर भी जाए, लेकिन छोड़ते नहीं है, जहाँ पर हम हैं वहीं पर हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। लेकिन ये विजुअल्स आपको ज़रूर दिखाएंगे कि जम्मू के बाद ये दूसरा दौरा इस महीने का है, और आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद जो है लोगों की है। जिस तरह से रविंद्र रैना ने कल बताया था कि 2 लाख लोग यहाँ पर आ पहुँचेंगे, और उसमें आप देख सकते हैं कि अगर जिस सीटों की कैपेसिटी यहाँ पर 30,000 ही है, 30,000 है, लेकिन जो ग्राउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है लोगों की आ सकती है। और उसमें अभी तक अगर हम बात करेंगे तो जो सुबह हमने आंकड़ा दिया था एसआरटीसी की ऑफिशल्स ने, उन्हें बताया था कि 45,000 7:30 बजे तक यहाँ पर एंटर हुए थे बख्शी स्टेडियम में। लेकिन अभी अगर ची काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है, अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद, हम कह सकते हैं कि 1,00,000 से ज़ायद लोग यहाँ पर जो है वो आ पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद क्या नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे या पहले राजभवन जाएंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमिक पैकेज के अलावा कई एक स्कीम्स या मल्टीपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी वो इफ्तिताह कर सकते हैं, और साथ में ही
यहाँ पर कुछ ऐसे जो वुमन है उनको एम्पावर करने के लिए भी उनके लिए कोई स्कीम्स यहाँ पर वो आज दे सकते हैं। साथ में ही आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से बताया जाता है कि कुपवाड़ा तक अब रेल जाएगी, क्या उसकी भी वो वर्चुअली इनॉग्रेशन करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो साधना टनल है, बताया जाता है कि वर्चुअली शायद उसका भी वो इफ्तिताह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आने वाले थोड़े से वक्त में ही हमें पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर हिंद यहाँ पर कश्मीर में क्या क्या देंगे। अगर जम्मू में उन्होंने 35,000 करोड़ रुपयों का जो पैकेज है वो दिया था, उसमें मल्टी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की भी इफ्तिताह की थी, लेकिन कश्मीर क्या लेकर आएंगे, क्योंकि आज 5 सालों के बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से आ रहे हैं और पहला विजिट है एप्लीकेशन ऑफ 370-35A। तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता है, हमने बाहर भी लोगों के ख्याल तसावुर जो है वो आपको वो आप तक पहुँचाए। उसमें उन्होंने बताया कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पर जिस तरह से अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया कि खासकर जो बड़ी चीज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने की ज़रूरत है। आप ये लाइव विजुअल्स यहाँ पर बख्शी स्टेडियम के अंदर से देख रहे हैं, आपको फिर से दिखाएंगे कि लोगों की जो अच्छी खासी तादाद है वो यहाँ पर उमड़ आई है। उसमें लोग कई अजलाओं से यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद आपको वो मंजर भी दिखाएंगे जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हिंद नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल आज तब तक हम बिल्कुल सारे विजुअल्स लाइव दिखाएंगे जब तक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है पहुँचेंगे और उनके क्या क्या पैकेज होंगे कश्मीर के लिए और क्या वो बताते हैं वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप बिल्कुल जेके न्यूज़ टुडे पर बने रहिए। फिर दूसरा के साथ जानवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।